फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे क्या है, दो मैट्रिक्स मैंने लिए हुए हैं और ये दो मैट्रिक्स को मुझे एडिशन करना है और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं। ये चारों हम एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो लेट अस वी स्टार्ट। अब देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही ईजी है। जैसे हम नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, सेम वैसा ही है, पर यहाँ पे हमको एक दो प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो देख लेते हैं हम फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं a प्लस बी। अब a प्लस बी का मीनिंग क्या है कि ये दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, पहले 1, 2, 3, ये पहला वाला मैट्रिक्स है, 3, 5, 2। अब देखो इसका एडिशन करना है b के साथ, तो b ये है -1, 2, -1, 3, -5, -4, ऐसा है। तो देखो ये दोनों के बीच में प्लस है, इसलिए मैंने ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस लिख दिया। बस एडिशन कर लो और कुछ नहीं है। तो चलो कर रहे हैं फटाफट। तो 1, 1 प्लस -1, 2 प्लस 2, फिर 3 प्लस -3, -1, सेम 3 प्लस 3, 5 प्लस -5, and 2 प्लस -4। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एडिशन कर देंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है, तो माइनस हो जाता है। तो 1 -1, 2 + 2 = 4, 3 + -3 = 3 - 1, 3 + 3 = 6, ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 5, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 - 4। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व किया, जो इजी थे उसको सॉल्व किया, जिसको दूसरे थे उसको मैंने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आए इसलिए। तो लेट अस वी सॉल्व हियर, 1 - 1 = 0, 4 का तो 4 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। 3 - 2 क्या हो गया, 2 रहेगा, 6 का 6, 5 - 5 = 0, 2 - 4। देखो यहाँ पे 2 - 4 होता है, तो अब यहाँ पे किसी का साइन नहीं, तो हम प्लस समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, प्लस। और बचपन में हमको समझाया हुआ था टीचर ने कि प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस मींस ये दोनों में से सब्ट्रैक्शन होके सब्ट्रैक्शन करना है। 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और बड़े वाले का साइन, तो ये -2। तो ये हमने पहले सीखा हुआ था, ये हमारा मिला ए प्लस बी। सेम वैसे ही हम अब ए प्लस टू भी करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ी जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी तो समझ में आएगा, a प्लस टू भी कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको b वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेट अस वी डू हियर, b क्या है हमारा, ये b है हमारा -1, 2 - 1, 3 - 5 - 4। ओके, अब हमको करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2b, तो मीन्स हम 2 पूरे मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो और 2 × b ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 तो -2, 2 × 2 = 4 -2। देखो बस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 = 6 -10 -8, 2 से मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, a के अंदर प्लस करना है, तो क्या होगा, a प्लस टू बी, सिंपल है, लिख लेते हैं 1, ये a मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 3, 5, 2 प्लस, अब 2b, 2b मीन्स क्या है, जो 2b मिला था ये वाला मैट्रिक्स उसको हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2b यहाँ पे लिखा, एडिशन करना है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया b को, उसके बाद उसको लिख देते हैं। तो -2, 4 - 2, 6 - 10 - 8। ओके, अब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन करेंगे तो 1 + 1 - 2, 2 + 4, 3 - 2, थोड़ा स्पीड रखेंगे, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए, तो 3 + 6, 5 + -10, and 2 + -8। ओके, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एक स्टेप मैंने ज़्यादा लिखा था वो नहीं लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमारा आंसर मिलेगा -1 इसका। यहाँ पे 2 + 4 = 6, अब यहाँ पे 3 + -2, तो प्लस माइनस माइनस,
ये माइनस टू है तो थ्री माइनस टू तो वन बचेगा, थ्री प्लस सिक्स नाइन, फिर प्लस माइनस माइनस, ये माइनस टेन हो गया, तो फाइव माइनस टेन कितना हो जाएगा माइनस फाइव, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, टू माइनस एट तो माइनस सिक्स, तो ये हमको मिला ए प्लस टू बी। ओके, तो ये हमने बात की प्लस की ये दोनों की। ओके, अब हम एक काम करते हैं, ये इक्वेशन को वापस एक बार जो दूसरे दो हैं ए माइनस बी और टू ए माइनस बी, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिख देते हैं। हमारा पहला मैट्रिक्स क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको थोड़ा समझने में ईजी रहे, घड़ी घड़ी वीडियो को रिवाइंड नहीं करना पड़े। ओके, थ्री फाइव टू ये कर दिया। अब ये हमारा बी मैट्रिक्स था, इसको भी फटाफट कर लिख देते हैं, माइनस वन टू माइनस वन थ्री माइनस फाइव। मैंने जानबूझ के माइनस वाली वैल्यू क्यों ली है कि आपको समझ में आए कि भाई यहाँ पे भी इजी है, माइनस वाली वैल्यू आप देख के कन्फ्यूज नहीं हो जाओ। चलो, हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड था जो ये वाला था ए माइनस बी, तो कैसे करेंगे, सिंपल ए माइनस बी ही करना है। तो क्या होगा, वन टू थ्री, थ्री फाइव टू माइनस। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वन टू माइनस वन थ्री माइनस फाइव माइनस माइनस फोर। ओके ओके, ये वीडियो है ना एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि एक की फैक्टर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो ये प्लीज़ एक ये वीडियो पूरा लास्ट में देख लास्ट तक देखना। क्या होगा, आप सब्ट्रैक्शन करना है बस, और कुछ नहीं है। तो वन ये वन है, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस वन। ओके, टू माइनस टू थ्री माइनस माइनस वन, तो थ्री ये बीच वाला माइनस और ये माइनस वन का माइनस। ओके, थ्री माइनस थ्री, फिर फाइव माइनस माइनस फाइव, फिर टू माइनस माइनस फोर। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, अगेन माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस होगा। आपको मैंने आपको पहले भी ये मैंने बेसिक बहुत समझाया हुआ ऐसा कि प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, फिर अब कौन सा बच गया, माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, तो ये चार आपको याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं, उसके हिसाब से माइनस माइनस प्लस है। तो वन प्लस वन, टू माइनस टू ज़ीरो, थ्री प्लस वन क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, यहाँ पे फाइव प्लस फाइव, यहाँ पे टू प्लस फोर। तो चलो फटाफट सॉल्व कर देते हैं, टू ज़ीरो फोर ये एडिशन किया, ज़ीरो टेन सिक्स, इजी है ना, बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था वो ले लेते हैं फटाफट। फोर्थ वाला क्या था क्वेश्चन, टू ए माइनस बी, ये हमारा फोर्थ वाला है। तो पहले करेंगे क्या हम कि मैट्रिक्स ए को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो टू ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, तो टू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे टू थ्री जा सिक्स, फाइव टू जा टेन, टू टू जा फोर। ओके, ये हमारा टू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। देखो, ये हमको मिल गया, ये हमारे पास है बी, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, टू ए माइनस बी। चलो टू ए माइनस बी, टू ए पहले लिखना है, टू ए लिख देते हैं, टू फोर सिक्स, सिक्स टेन फोर। ओके, अब माइनस बी, बी क्या है, माइनस वन टू माइनस वन थ्री माइनस फाइव माइनस फोर। थोड़ा स्पीड लगाना है, वीडियो लंबा हो रहा है। चलो अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, टू माइनस है तो माइनस और माइनस वन का माइनस वन, फोर माइनस टू, ये फोर माइनस का माइनस, टू का टू, सिक्स माइनस माइनस वन, सिक्स माइनस माइनस वन। ये आपको ये पूरा वीडियो देखोगे आपको समझ में आ ही जाएगा, इजी है। माइनस थ्री टेन माइनस माइनस फाइव, फोर माइनस माइनस फोर, हो गया, इजी है, फटाफट सॉल्व करते हैं। चलो अब क्या होगा, टू माइनस माइनस प्लस, टू प्लस वन, फोर माइनस टू टू, प्लस सिक्स प्लस वन, उसके बाद है यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टेन प्लस फाइव, टेन प्लस फाइव, यहाँ पे फोर प्लस फोर। चलो देख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, टू प्लस वन थ्री, टू सेवन, सिक्स प्लस वन सेवन, ये थ्री का थ्री, ये टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, फोर प्लस फोर एट, तो ये हमको मिल गया
टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो की फैक्टर मैंने बोला था, क्या की फैक्टर क्या है मैं आपको बता दूँ, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आ गया, पर यहाँ पे एक दिमाग में याद रखना है कि यहाँ पे ऑर्डर कंपलसरी सेम होना चाहिए। ये मैं आपको लास्ट में क्यों बता रहा हूँ कि आप सब पूरा वीडियो देखो, इसलिए कि जब भी मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करो ना, तो उसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर हर वक्त मैं यहाँ पे बाहर लिखता हूँ, ओके यहाँ पे एक बाहर लिखता हूँ, वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे सर कैसे, देखो कितनी रो है, दो रो है, और कितनी कॉलम है, एक दो तीन, ओके। फिर यहाँ पे भी कितनी रो है, दो रो है, कितनी कॉलम है, तीन कॉलम है, तो यहाँ पे ये कंपलसरी ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है मैट्रिक्स के अंदर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बाय चांस ऐसा दे दिया हो कि भाई यहाँ पे दूसरा कोई है और यहाँ पे कोई दूसरा, ये मैच नहीं होता हो, तो क्या लिख देने का कि मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।